हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोमल सिंह। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी का फर्स्ट पोयम भारत महिमा, और इसके जो कवि है वो है जयशंकर प्रसाद। तो सबसे पहले परिचय देखते हैं। परिचय में यहाँ पे जो कवि है, कवि के बारे में बताया हुआ है कि उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उन्होंने कौन कौन सी कविताएँ लिखी हैं, महाकविताएँ लिखी हैं, नाटक कौन कौन से लिखे हैं, कौन कौन से प्रसिद्ध हुए हैं, तो ये सब परिचय में दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे जन्म जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनका जन्म 1890 वाराणसी में हुआ और मृत्यु 1937 वाराणसी में ही हुआ। परिचय, जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के चार स्तंभों में से एक हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। ये जो जयशंकर प्रसाद जी जो कवि हैं, ये पोयम भी लिखते हैं, नाटक भी लिखते हैं, कथा भी लिखते हैं। कथा मतलब यहाँ पे कहानी, और उपन्यास का मतलब उपन्यास भी लिखते हैं। तो यहाँ पे ये सब लिखने के कारण ये कवि भी है, नाटककार भी है, कथाकार भी है, और ये उपन्यासकार भी है, और एक निबंधकार भी है, और इसी नाम से वो प्रसिद्ध भी हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं, और ये जो भी लिखते हैं उनमें ज़्यादातर ऐतिहासिक मतलब हिस्ट्री के जो भारत का अतीत है, मतलब पास्ट है, ऐतिहासिक मतलब हिस्ट्री के बारे में ही ज़्यादातर ये लिखते हैं। जैसे यहाँ पे भारत महिमा है, तो भारत महिमा में यहाँ क्या भारत के पास्ट के बारे में बताया हुआ है। तो इसलिए इनका जो पोयम होता है, कुछ भी हो, जैसे पोयम, नाटककार, कथाकार, उसमें ज़्यादातर भारत के अतीत के बारे में, मीन्स पास्ट के बारे में, भारत के पे गर्व करते हुए ये सब लिखते हैं। प्रमुख कृतियाँ, जो प्रमुख कृतियाँ में यहाँ पे जो इन्होंने लिखा हुआ है और जो बहुत ही फेमस हुआ है, मीन्स प्रसिद्ध हुआ है, तो उनके कुछ नाम दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे झरना, आंसू, लहर, ये सब कविताएँ हैं। काव्य मीन्स कविता है। कामायनी, ये महाकविता मीन्स महाकाव्य है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ऐतिहासिक नाटक। इतना जो है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये सब ऐतिहासिक नाटक है। और प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये सब कहानी संग्रह है, जो कि कहानी है, स्टोरी है। और कंकाल, तितली, इरावती, ये सब उपन्यास उन्होंने लिखे हुए हैं, और ये सब प्रसिद्ध भी हुए हैं। मीन्स प्रमुख कृतियाँ मतलब मेन चीज जो उन्होंने ज्यादा जो उन्होंने लिखा है और वो प्रसिद्ध भी हुआ है। पद्य संबंधी में देखते हैं, यहाँ पे प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। यहाँ पे जो पोयम दिया हुआ है भारत महिमा, इसमें जो कवि है जयशंकर प्रसाद जी ने भारत पे गर्व करते हुए, मीन्स गर्व करते हुए इनके भारत के अतीत के बारे में मतलब पास्ट के बारे में बताया हुआ है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और यहाँ पे जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, कवि हैं, ये कहना चाहते हैं कि हमें वक्त आने पर, मतलब भारत के लिए कोई भी ऐसा वक्त आने पर, हमें हमेशा अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसके लिए? अपने भारत देश के लिए। तो यहाँ पे अभी पोयम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पंक्ति देखते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हर्ष अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। तो यहाँ पे हिमालय के आंगन, हिमालय का मतलब है यहाँ पे हिमालय पर्वत, किरणों मीन्स सूरज की किरणें, उषा का मतलब है सुबह सवेरा, हीरक हार का मतलब है हीरो का हार। तो यहाँ पे इसका भावार्थ समझते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। अभी यहाँ पे जो हिमालय पर्वत है वहाँ पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होता है, तो इसीलिए जब सूरज उगता है तो उसकी जो किरणें हैं, पहली किरणें वो कहाँ पे पड़ती है? हिमालय पर्वत पे। तो हिमालय पर्वत पे बर्फ होने के कारण, बर्फ पे किरणें पड़ने के कारण वो जो बर्फ है वो शाइन करने लगता है, मीन्स चमकने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, ऐसा लगता है कि उषा ने हर्ष अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। तो जो उषा है, मीन्स नई सुबह है, वो क्या कर रही है? हिमालय पर्वत को हीरो का हार पहनाकर हर्ष के अभिनंदन कर रही है। तभी सेकंड पंक्ति देखते हैं। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। यहाँ पे आलोक का मतलब है प्रकाश, योम का मतलब आकाश, पुन तम का मतलब है अंधेरा,
अखिल संस्कृति का मतलब है संपूर्ण दुनिया, अखिल मीन्स संपूर्ण और संस्कृति मीन्स दुनिया मीन्स संसार। तो यहाँ पे भी इसका भावार्थ समझते हैं, जगे हम। तो पूरी दुनिया में अंधविश्वास का ही ज्ञान फैला हुआ था, तो जो अंधविश्वास का जो ज्ञान है वो सबसे पहले किसने दूर किया? भारत ने ही दूर किया। इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जगे हम, सबसे पहले हमने क्या किया, खुद को जगाया। फिर क्या हुआ, लगे जगाने विश्व, मतलब भारत खुद जाग जाने के बाद, अंधविश्वास दूर करने के बाद क्या करने लगे हम लोग, पूरे विश्व को मीन्स पूरी दुनिया को अंधविश्वास से दूर करने की कोशिश किए। लोक में फैला फिर आलोक। अब क्या हो गया, लोक मीन्स पूरी दुनिया में फिर से क्या हो गया, अंधविश्वास दूर होने के कारण प्रकाश ही प्रकाश हो गया, मीन्स ज्ञान रूपी प्रकाश, सबके सब सब जगह ज्ञान रूपी प्रकाश पहुंचाकर हमने क्या किया, भारत ने क्या किया, अंधविश्वास को दूर किया। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, मतलब जो पूरे आकाश में, मतलब पूरी दुनिया में जो अंधकार का ज्ञान फैला हुआ था, मीन्स अंधविश्वास का ज्ञान फैला हुआ था, वो क्या हो गया, तब नष्ट हो गया। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, और जो पूरी दुनिया है, अखिल संस्कृति में संपूर्ण दुनिया, पूरा संसार, वो फिर से क्या हो गया, दुख रहित, मतलब बिना दुख के हो गया। तब इस थर्ड वाला पंक्ति देखते हैं। बिमल वाणी ने बीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। अभी यहाँ पे विमल वाणी का मतलब क्या है, विमल मीन्स यहाँ पे पवित्र, वाणी मीन्स सरस्वती माँ, इनकी बात की गई है। वीणा में जो सरस्वती माँ, जिनके उनके हाथ में जो वीणा रहता है, मीन्स बजाने वाला, उसको क्या कहते हैं, वीणा। कमल कोमल कर, मतलब कोमल मीन्स यहाँ पे मुलायम, कर मीन्स यहाँ पे हाथ। अभी सप्त स्वर मतलब सात स्वर, मीन्स सात सुर, सप्त सिंधु मीन्स सात नदी, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। अभी मधुर का मतलब है यहाँ पे बहुत ही मीठा संगीत, तब मीठा संगीत की शुरुआत हुई। अभी यहाँ पे इसका भावार्थ समझते हैं। विमल वाणी ने वीणा ली, अभी क्या हुआ, जो सरस्वती माँ है उन्होंने क्या किया, अपने कोमल हाथों में क्या लिया, वीणा धारण किया, उसको लिया और फिर उसको बजाया। तो उनका जो सात सुर है, बजाने के बाद सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, वो सात सुर क्या हुए, पूरी सात नदी तक जाके गूंजने लगे। सप्त सुर मतलब पता ही होगा, सारे गम पद निशा। तो इसी यही जो सुर है, जो उन्होंने जब सरस्वती माँ ने जब वीणा धारण की, उसको बजाया, तो जो सात सुर है वो सात नदी तक क्या हुए, गूंजने लगे। छिड़ा तब मधुर साम संगीत, और तभी से क्या हुआ, संगीत की शुरुआत हुई, और कहाँ पे हुई, इसी भारत में हुई। तभी फोर्थ वाला पंक्ति देखते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। तो इस वाले पंक्ति में जो अशोक सम्राट है उनकी बात की गई है। यहाँ पे क्या बोला है, लोहे का मतलब यहाँ पे तलवार हथियार, ये सब जिसको हम लोग लड़ाई करते समय यूज करते हैं, तो वो लोहे का मतलब वो हथियार से है। धर्म मीन्स पता ही है, भारत में सबसे यहाँ पे सबसे ज्यादा किसको मान्यता दी गई है, धर्म को। और धरा मीन्स यहाँ पे धरती, भिक्षु मीन्स जो घर घर जाके सबसे भिक्षा मांगते हैं, उनको क्या बोलेंगे, भिक्षु। अभी सम्राट मतलब यहाँ पे अशोक सम्राट की बात की गई है। तो अभी इसका भावार्थ समझते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। अभी यहाँ पे जो अशोक सम्राट है वो क्या, बहुत ही वीरता, मतलब उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ की है और उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ जीती भी है, मगर बाद में क्या हुआ, ये सब के बावजूद उन्होंने क्या किया, सब कुछ अपना जो था घर वह सब त्याग करके वो क्या बन गए, एक भिक्षु बन गए। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया, विजय केवल लोहे की नहीं, मतलब जो भारत में, इस भारत में क्या हुआ है, हथियारों को मान्यता नहीं दी गई है, बल्कि किसको मान्यता दी गई है, किसको इम्पोर्टेंस दिया गया है, धर्म को, मतलब यहाँ पे धर्म ही सब कुछ है। तो इसलिए क्या बोला गया, विजय केवल लोहे की नहीं, मतलब यहाँ पे सिर्फ विजय, मतलब जो हम लोग जीतते हैं वो सिर्फ हथियारों से नहीं जीतते, बल्कि अपने धर्म से जीतते हैं। तो इसीलिए इस भारत में धर्म को ज्यादा ही इंपॉर्टेंस में मान्यता दी गई है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, और जो अशोक सम्राट है, लड़ाई ये सब जीतने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, अपना घर बार त्याग करके वो क्या बन गए, एक भिक्षु बन गए, और दया दिखलाते घर घर घूम, और सबके घर घर जाके वो क्या करते, दया और शांति का संदेश देते थे। तो ये जो अशोक सम्राट है वो भी क्या है, इसी भारत की संतति संतान है। तो यहाँ पे अभी फिफ्थ वाला पंक्ति देखते हैं।
गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील के सिंहल को भी सृष्टि। दृष्टि मतलब यहाँ पे देखना। अभी स्वर्ण भूमि मतलब सोने की भूमि, सोने की चिड़िया जो कि भारत को कहा गया है उसी को क्या है बोला गया यहाँ पे, स्वर्ण भूमि। रत्न मतलब यहाँ पे देखो इस वाले फिफ्थ वाले पंक्ति में किसकी बात की गई है, गौतम बुद्ध की बात की गई, इसलिए इनको ये क्या है, ये इसी भारत के रत्न है। तो यहाँ पे रत्न का मतलब क्या है, गौतम बुद्ध के बारे में बताया है। शील की सीहल, शील मतलब यहाँ पे शांति, सीहल मतलब श्रीलंका। तो यहाँ पे अभी इसका भावार्थ समझते हैं। गौरी को दिया दया का दान, अभी जो गौतम बुद्ध है उन्होंने क्या किया, ये जो गौरी है उनको क्या हुआ, लड़ाई करने के बाद वो चाहते तो इसको मार भी सकते थे, मगर क्या किया इन्होंने, दया दिखलाकर इनको छोड़ दिया। मीन्स दया का दान मतलब उनको दया दिखलाकर छोड़ दिया। चीन को मेरी धर्म की दृष्टि, और जो गौतम बुद्ध है उन्होंने क्या किया, चीन में धर्म की दृष्टि मतलब चारों तरफ धर्म का प्रचार किया, धर्म का संदेश दिया। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, भी जो स्वर्ण भूमि मतलब भारत भूमि, जो कि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ क्या बोला है कि इस भारत को ही क्या मिला था, एक रत्न मतलब गौतम बुद्ध मिले थे। मीन्स गौतम बुद्ध क्या थे, इसी भारत के संतान थे। शील के सिहल को भी सृष्टि, शील मतलब शील मतलब शांति, और गौतम बुद्ध ने ही क्या किया था, सिहल मतलब यहाँ पे श्रीलंका की बात की गई है, तो श्रीलंका में उन्होंने क्या किया, चारों तरफ शांति का संदेश दिया। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध के बारे में मतलब जो गौतम बुद्ध है वो गोरी मतलब जिन उनको लड़ाई करने उनसे लड़ाई करने के बाद वो चाहते तो उसे मार भी सकते थे, मगर उन्होंने क्या किया, उसको दया दिखलाकर छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया, चीन में धर्म का प्रचार किया, और वो क्या थे, इसी भारत के संतान थे, इसी भारत के रत्न थे, और श्रीलंका में उन्होंने क्या किया, शांति का संदेश दिया। तो अभी सिक्स वाला पंक्ति देखते हैं। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना, यही हमारी जन्मभूमि थी, यही कहीं से हम आए थे नहीं। तो अभी इसका प्रकृति मतलब यहाँ पे क्या है, नेचर, और बाकी सब इजी वर्ड है। तो अब इसका भावार्थ समझते हैं। किसी का हमने छीना नहीं मतलब जो भारतवासी है, भारत के रहने वाले हैं, उन्होंने क्या किया, वो कभी भी किसी से कुछ छीने नहीं है, कभी भी किसी से कुछ उधार नहीं लिए हैं। प्रकृति का रहा पालना यही है, बल्कि वो क्या किए हैं, जो उनका पालन पोषण है मीन्स भारतवासियों का जो पालन पोषण है वो उनकी ही नेचर मतलब उनकी प्रकृति ने ही किया है, बल्कि उन्होंने कभी भी किसी से, भारतवासियों ने कभी भी किसी से उधार, किसी से भी कुछ छीना नहीं है। हमारी जन्मभूमि थी, यही कहीं से हम आए थे नहीं। और जो हमारी जन्मभूमि मीन्स भारतवासियों के, भारत के रहने वालों की जो जन्मभूमि है वो यहीं की है, और हम लोग कहीं से भी आए नहीं हैं। जैसे यहाँ पे मुगल बादशाह जो कि बाहर देश से आए थे, तो हम लोग क्या है, उन लोगों की तरह नहीं है, बल्कि हमारा जन्म यही हुआ है, हम कभी भी किसी का छीने नहीं है, किसी का उधार नहीं लिए हैं, हमारा जो पालन पोषण है वो किसने किया, प्रकृति ने ही किया है। तो अभी आगे सेवेंथ वाला पंक्ति देखते हैं। चरित्र पुत्र भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। तो अभी इसका वर्ड चरित्र मतलब यहाँ पे चरित्र, भुजा मीन्स अपना जो अंग है वो, शक्ति मतलब पता है ताकत, नम्रता मीन्स दया, विपन्न मतलब यहाँ पे विपत्ति दुख में। तब इसका भावार्थ समझते हैं। चरित्र पुत मतलब जो भारत के वासी है उनका जो चरित्र है वो क्या है, एकदम पवित्र है। पुत मीन्स यहाँ पे पवित्र है। भुजा में शक्ति, और उनके भुजा मीन्स उनके बॉडी में बहुत ही शक्ति, बहुत ही ताकत है। नम्रता रही सदा संपन्न, और उनके आंखों में दया भी है। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न, और उनके मन में इतना दया, उनकी आंखों में इतना दया है कि वो किसी को भी विपन्न मतलब दुख में, विपत्ति में देख नहीं सकते थे। वो हमेशा ही जो दुख में रहता है, जो विपत्ति में रहता है, उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पे एट वाला पंक्ति देखते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी देव। तो यहाँ पे जो भारतवासी है उनके जो संचय मतलब वो हमेशा दान के लिए तैयार रहते थे। हमारे संचय में थे दान मतलब जो भारतवासी है वो हमेशा दान के लिए तैयार रहते थे। अतिथि
सदा हमारे देव जो अतिथि है, अतिथि थे सदा हमारे देव, अतिथि थे सदा हमारे देव। तो यहाँ पे जो भारतवासी है उनके लिए हमेशा जो अतिथि है मतलब जो मेहमान है वो देव के समान है, मतलब भगवान के समान है। वचन में सत्य, मतलब भारतवासी हमेशा वचन में सत्य रहते हैं, मतलब जो भी वचन देते जो भी वादा करते उसको निभाते ही हैं। हृदय में तेज प्रतिज्ञा में रहती थी देव, वही बोला गया है कि जो उनकी प्रतिज्ञा रहती थी वो हमेशा उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करते थे और पूरा ही करते हैं। वही है रक्त वही है देश, वही है साहस वैसा ज्ञान, वही है शांति वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। तो यहाँ पे क्या 9th वाले पंक्ति में वही है रक्त, मतलब जो रक्त था मीन्स जैसे यहाँ पे अशोक सम्राट की बात की गई है, गौतम बुद्ध की बात की गई है, तो जो उनमें रक्त था वो अभी भी रक्त है, वैसा ही है देश, और वही देश है जो भारत देश पहले था वो अभी भी वही देश है। वही है साहस, मतलब जैसे गौतम बुद्ध में जो साहस था, अशोक सम्राट में जो साहस था, मतलब जो हिम्मत था, वही हिम्मत आज के युवाओं मतलब आज के देशवासियों में भी है। वैसा ज्ञान वही है शांति वही है शक्ति, हम वही हम दिव्य आर्य संतान, और वही हम दिव्य आर्य मतलब जैसे वो संतान थे उसी प्रकार आज भी भारतवासी वैसे ही संतान है, और उसी प्रकार की शांति अभी भी है, उसी प्रकार की शक्ति अभी भी है। जिए तो सदा, लास्ट वाला पंक्ति देखते हैं, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारत वर्ष। अभी देखो जो भारतवासी है तो जो भारतवासी है वो हमेशा इसी भारत अपने भारत देश के लिए जिए हैं, और यही हमारे अंदर अभिमान और गर्व अपने भारत के लिए है। निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारत वर्ष, और हम लोग वक्त आने पर अपने भारत देश के लिए सब कुछ निछावर सब कुछ त्याग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ऐसा ही हमारा भारत वर्ष है। तो अभी थैंक यू।